गंजवा सौदा पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा का नगर में भव्य स्वागत। पुराने बस स्टैंड में हुआ जन आक्रोश यात्रा की सभा। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गंजवा सौदा नगर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर नगर के सीमा में कई कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जगदीश सुहाने जिला महामंत्री कई कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर पहुंचे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नगर से होते हुए पुराने बस स्टैंड में सभा स्थल पहुंचे, जहाँ पर जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी अरुण यादव एवं कांग्रेस जानों ने आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं गौ माता और गौशालाओं को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने आम जनता और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश का विकास होगा और सरकार की हर योजना का लाभ आम जनता को देने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या अनुमान है इस बार सरकार में आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आनी चाहिए। मिशन 150 है। क्या कारण है कि पूरे विदिशा जिले में कोई भी महिला जो है टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर रही है कांग्रेस से? बिल्कुल स्वागत है और बहुत सारी बहनें लाइन में हैं। कुछ तो मेरे आगे आजू बाजू बैठी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं हो रही? जो मेरे बगल में हमारी बहन बैठी है, ये खुद ही उम्मीदवार है, टिकदारती है, सबका स्वागत है। हमारी बहनों के लिए आरक्षण देने वाली ही कांग्रेस पार्टी, ये बात अलग है। भाजपा से वावे लूट रहे हैं, ये योजना ही कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। ओबीसी को 27% आरक्षण हमने दिया और मुझे गर्व है। ये ओबीसी की बात जरूर करते, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, बाबूलाल गौर जी आ गए, इनके पहले उमा भारती जी थी। तो तीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने ओबीसी लिए क्या 27% आरक्षण हमने लागू किया था। आपको पता होना चाहिए जब सरकार में उस आरक्षण के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर रोक लगाने का काम किया गया। और आज जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी का आरक्षण यथावत होना चाहिए, ये हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी थी। सरकार में आएंगे तो 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में छूट गया था, जिन्होंने बेमानी से उसको बंद कर दिया, उसको वापस लागू करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।